हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन भूल कर भी ये चीज़ें आप ना खरीदें, नहीं तो घर में आ सकती है कंगाली। चलिए तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। पहले मैं आपको बताऊं कि धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। तो आपको धनतेरस की, दिवाली के ठीक पहले जो धनतेरस है उसमें आपको क्या नहीं खरीदना है, इसकी मैं आपको जानकारी दूँगी। हालाँकि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ सकती है, कंगाली आ सकती है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के मौके पर भूल कर भी लोहे की चीज़ आप बिल्कुल ना खरीदें। अगर किसी वजह से आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस के एक दिन पहले आप खरीद लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। वही मान्यता है, दूसरी चीज़ वही मान्यता है कि धनतेरस के दिन कभी भी कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अज्ञानवश लोग खरीद देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको खरीदना है तो आप पहले ही खरीद लें, नहीं तो कांच में राहु का प्रतीक माना जाता है, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। मान्यता है कि धनतेरस के दिन आपको तेल भी, घी भी और रिफाइंड ऑयल भी नहीं खरीदना चाहिए। आपको खरीदना है तो आप एक दिन पहले ही खरीद के ले आइए, दिए जलाइए। वहीं स्टील के बर्तन भी आप धनतेरस के दिन ना खरीदें। इस कॉपर के बर्तन भी आप ना खरीदें। अगर आपको ख़रीदना है तो आप पीतल खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, कोई भी वस्तु खरीद लीजिए, लेकिन आप कृपया लोहे की वस्तुएं स्टील की ना खरीदें। धनतेरस के दिन इन सब चीज़ों का आप ना खरीदेंगे तो आपके घर में सुख शांति, समृद्धि, वैभव, इन सब का वास रहेगा। आप उसकी अपेक्षा झाड़ू खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।